बस 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 वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफिसर्स. इसके लिए ये दौड़ लगाई आज. आज हमारा नेशनल यूनिटी डे है. नेशनल यूनिटी डे मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस. और आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत अहम किरदार निभाया, उनका जन्म दिवस है आज. और उनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. वो क्यों जानते हैं? क्योंकि जब ये हमें आज़ादी मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ही पूरे देश के हर एक कोने में जो अलग अलग बिखरे हुए किंगडम्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थी या प्रोविंसेस थे, उन सबको एकजुट करके भारत देश हिंदुस्तान मुल्क में तब्दील करने में उनका सबसे ज़्यादा हाथ था. और इसीलिए हम उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं. आप बच्चों जानते हैं कि 2 साल पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू अनवील किया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल का एक बहुत बाकी जगह भी हो रही है, मेंढर में भी, सुरनकोट में भी. और शाम को एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है 5 बजे इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में. यहाँ पे एक यूनिटी कॉन्सर्ट होगा जिसमें बीएसएफ के बैंड भी प्ले करेंगे, हम यूनिटी प्लेज भी लेंगे और उसके साथ कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी होगा जिसमें जम्मू से कुछ सिंगर्स भी आए हुए हैं. तो आप सब शाम को भी 5 बजे यहाँ आइएगा. इसके साथ साथ अब हम कंक्लूड करेंगे दफ्तर में. पंजाब सिंध
हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल की तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे यूनिटी में भारी तादाद में बच्चों और एम्प्लॉइज ने पार्टिसिपेट किया। तकरीबन आई बिलीव 500 तक रनर्स थे और SSP ऑफिस से लेके यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम तक रखी गई। काफ़ी पब्लिक मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया और इस रन को सराहा भी गया और चीयर अप भी किया गया। हम शाम को भी एक यूनिटी कॉन्सर्ट मना रहे हैं जिसमें हम जो हमारी यूटी के अचीवमेंट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री भी दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है। साथ में यूनिटी प्लेज भी आज नेशनल किया जाएगा।